गरीबों के हक पर किसने डाला डाका, राशन वितरण में किसने की धांधली, कहां गया 210 क्विंटल गेहूं। रेवाड़ी जिले में गरीबों के हक पर ही डाका डाल लिया गया। बावल उपमंडल के 8 गांवों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को शिकायत दी है कि उन्हें नवंबर 2019 का राशन नहीं मिला। उन्होंने इसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन आज तक भी पता नहीं चल सका कि 210 क्विंटल गेहूं आखिर गया तो गया कहां। एक डिपो होल्डर दूसरे डिपो होल्डर पर आरोप मढ़ रहा है, दूसरा डिपो होल्डर पहले वाले डिपो होल्डर पर आरोप मढ़ रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ग्रीवेंसी मीटिंग में ये मामला गया तो ग्रीवेंसी मीटिंग में 18 जून 2021 को यह मामला मेरे खिलाफ बिल्कुल फाइल कर दिया गया। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो आज भी 210 क्विंटल गेहूं अशोक कुमार डी पोर्टर के पास बैलेंस है, उसने वितरण नहीं किया और ना ही वो आज तक 8 गांव में बटा। शाहपुर 38 क्विंटल बटता था, 40 क्विंटल बीदास और खिजुरम बटता था, 4 गांव का 100 क्विंटल बटता था। अधिकारी कह रहे हैं कि अभी मामले की जाँच चल रही है। दरअसल असरा का माजरा के डिपो होल्डर राज नारायण को 8 गांवों में सरकारी राशन वितरण करने की विभाग द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभाग द्वारा नवंबर 2019 में गरीबों को राशन वितरण करने के लिए 210 क्विंटल गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री राज नारायण के डिपो पर भेजी गई, लेकिन 18 अक्टूबर को ही राज नारायण डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई और 31 अक्टूबर को राज नारायण का सरकारी राशन वितरण डिपो रद्द कर दिया गया। राज नारायण का कहना है कि 5 नवंबर को बावल के खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ने उन्हें दूसरे डिपो होल्डर को गेहूँ सौंपने के लिए कहा। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक के आदेशों पर केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार को 210 क्विंटल गेहूँ और अन्य खाद्य सामग्री सौंप दी और उसे जांच के बाद फिर से बहाल कर दिया गया। उस समय तो वो कोई डीएफएससी अशोक कुमार ड्यूटी पे छुट्टी पे थे 3 महीने की और आरए डीएफएसओ था वो एडिशनल चार्ज देकर डीएफएससी लगा दिया गया था उसकी और मेरी बिगड़ गई। वो बोलो भाई तेरे पास 8 गांव मेरे को 50,000 रुपए थे। मैं बोला मैं तो 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो काम सही करता हूँ। इसलिए उसने मेरे को जानबूझकर बैक डेट में जो है डिपो रद्द कर दिया गया, लेकिन 25/10 को तो वापिस जो है ये डीएफएससी अशोक कुमार ड्यूटी पे आ गया था और उसको ये नहीं पता। उसने आप तो यही इसने आपको बहाल कर दिया? नहीं, बहाल मैं कोर्ट से हुआ हूं। मेरे को कोर्ट से, मैं डीसी यशेंद्र कुमार की कोर्ट से मैं बहाल हुआ फरवरी 2020 को ही मैं बहाल कर दिया। कोई लक्षण नहीं मिला और अधिकारियों के खिलाफ डीसी ने। अब 200 क्विंटल गेहूं कहां है? अशोक कुमार डिपो होल्डर केशवपुर। असरा के माजरा गांव के डिपो होल्डर राज नारायण ने केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं अशोक कुमार के पास ही है, उसी ने वितरण नहीं किया। इस बीच जब राज नारायण से पूछा गया कि उनके डिपो की सप्लाई क्यों रोकी गई थी तो राज नारायण ने इस मामले पर एडिशनल डीएफएससी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसे डीएफएससी का एडिशनल चार्ज सौंपा गया था उसने रिश्वत की डिमांड की थी, जब रिश्वत नहीं दी गई तो एडिशनल डीएफएससी ने साजिशन गलत एंट्री कर दी थी और उसे फंसा दिया था। मेरे पास राज नारायण ने ना मेरे को कोई गेहूँ दिया, ना दाल दी, ना चीनी दी, कोई चीज नहीं दी। ये अक्टूबर सन 2019 की बात है जी। अक्टूबर 2019 के अंदर उसने मशीन भी नहीं दी, नवंबर में मशीन दी थी। मेरे बिल पे माल आया था, मैंने वितरण कर दिया था चारों गांव। जो 200 क्विंटल माल है वो राजनारायण के ही उसमें 200 क्विंटल माल राजनारायण के ही अंडर है, मेरे पास कोई माल नहीं है। राजनारायण ने ये भी कहा कि अगर मामले में अधिकारियों के खिलाफ उच्च जांच नहीं कराई जाती तो वे विजिलेंस तक भी शिकायत लेकर जाएंगे। लेकिन ये मामला तब और उलझ गया जब केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार ने भी कह दिया कि गेहूँ उसके पास ही नहीं है क्योंकि राज नारायण ने गेहूँ उपलब्ध करवाए ही नहीं। दोनों ही डिपो होल्डर एक दूसरे पर राशन के होने की बात कर रहे हैं, लेकिन गेहूँ किसके पास है वो तो वही जानता है जिसने उसे पचा लिया। वही जब इस मामले में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक गजेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने इतना तो कहा कि आज भी ये स्टॉक डिपो होल्डर राज नारायण के खाते में है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 18 महीने तक मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो वे इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी जी, वो उसी राज नारायण के पास केस चल रहा है। अच्छा हाँ। तो वो 200 क्विंटल गेहूँ कहाँ है, किसके उसमें है? राजनारायण के पास है। तो अभी तक उसका वितरण नहीं हुआ तो क्या आपने अभी क्या कुछ कार्रवाई की हुई इस पर? उसके खिलाफ लिख के दे रखी है हमने।
क्या लिख के दिया? कि भाई इसका गेहूँ ट्रांसफर नहीं करवा रहा, ये मशीन नहीं दे रहा उसको, जिसका अटैच करवाया था ना। कितने दिन की बात होगी? साल भर तो होगा। एक साल से सिर्फ लिखा पढ़ाती ही चल रही है उसमें? नहीं, केस चल रहा है उसका ग्रेजुएशन कमेटी में। ग्रेजुएशन कमेटी? हाँ। अभी फैसला नहीं हुआ है? अभी फैसला नहीं हुआ। 210 क्विंटल गेहूँ कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी मामले में कुछ भी हाथ नहीं लगा है। गरीबों का राशन कौन चट कर गया, ये तो उसे बचाने वाला ही जानता है। लेकिन इतनी मात्रा में गेहूँ का गायब होना किसी अचंभे से कम नहीं, क्योंकि कहने को ये महज एक महीने का गेहूँ हो सकता है, लेकिन ये 8 गाँवों के गरीब लोगों का पेट भरता। और अगर इतनी मात्रा में गेहूँ को ब्लैक किया जाता तो उसमें लाखों रुपए अपनी जेब में भरे जा सकते। प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।